हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग। आज हम बताने जा रहे हैं खतियान कैसे बनता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, ज़मीन के बारे में ये सब जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। खतियान कैसे बनता है? जब सर्वे अमीन किसी गांव में जाकर सर्वे का कार्य प्रारंभ करता है, तब उस गांव के कुछ प्रमुख लोगों से मिलते हैं। जब सर्वे अमीन किसी गांव में जाकर सर्वे का कार्य प्रारंभ करता है तब उस गांव के कुछ प्रमुख लोगों से मिलते हैं और सभी रैयतों तथा किसानों के साथ मिलकर सर्वे की जानकारी लोगों को दिया जाता है। तो दोस्तों, जब सर्वे अमीन किसी गांव में जाता है और उस गांव में जाके कुछ प्रमुख लोगों से मिलता है और सभी रैयतों तथा किसानों के साथ मिलकर सर्वे की जानकारी लोगों को देता है, उसके बाद उस गांव में घूमकर उस गांव का नक्शा तैयार करता है। उसके बाद ज़मीन की प्लॉटिंग और प्लॉटों की पैमाइश कर देती है उसके बाद प्रत्येक प्लॉट का नक्शा बनाता है उसके बाद प्रत्येक प्लॉट का नक्शा बनाता है नक्शा बनाते समय प्लॉट के मालिक तथा चौहदी में आने वाले लोगों को रखा जाता है। जिससे खतियान बनाने समय कोई गलती नहीं हो। इसी तरह से लोगों को खतियान बनता है। उम्मीद होगा दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं तो यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर पढ़ भी सकते हैं और पढ़ के समझ भी सकते हैं। इसी प्रक्रिया की तरह से खतियान बनता है, जो कि 50 साल 60 साल 70 साल के बाद एक बार इसका कार्यक्रम होता है। इतना जल्दी तो नहीं बनता है, ये लगभग लगभग 50 साल के बाद ही बनता होगा।